आज के इस जनसंवाद में मेरे साथ बंगलुरु से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री नलिन कुमार कटील जी, हमारे कर्नाटक के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय बीएस येदियुरप्पा जी, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, वहाँ बंगलुरु में मंच पर विराजमान सम्मानित मंच, और यहाँ दिल्ली में मेरे साथ उपस्थित बहन निर्मला सीतारमण जी, जो भारत की वित्त मंत्री हैं, भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री सदानंद गौड़ा जी, और हमारे परम मित्र और भारत सरकार में मंत्री सम्माननीय प्रहलाद जोशी जी, और इस जनसंवाद के माध्यम से एकत्र आए लाखों लाखों कार्यकर्ता, जो विभिन्न क्षेत्र के अपने अपने डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से, डिजिटल टूल के माध्यम से, वह इस जनसंवाद जो हमारी वर्चुअल रैली है उसमें जुड़े हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत और आप सबको नमस्कार। मैं देख रहा हूं कि हैदराबाद से भी हमारे प्रभारी श्री मुरलीधर राव, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो भी जुड़े हैं। सभी लोगों का अभिनंदन इस वर्चुअल रैली में जुड़ने के कारण। मित्रों, हम ऐसे समय इस वर्चुअल रैली के साथ जुड़े हैं जब भारत एक और दुनिया एक संक्रमण काल से गुजर रही है। कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप में सारी दुनिया है और भारत भी उससे अछूता नहीं है। सबसे पहले तो मैं इस कोविड-19 के महामारी में, इस संक्रमण से जिन लोगों की जीवन लीला समाप्त हुई है, उनकी आत्मा को शांति मिले, ये भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, हम सब प्रार्थना करते हैं। और जिन परिवारों में यह दुख देखने को मिला है, उनको संबल मिले, उनको ताकत मिले इस दुख को सहने की, यह मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। जो लोग कोविड के प्रकोप में आज स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, कोविड की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह स्वास्थ्य में उनके सुधार आए और वो वापस उनकी जीवन पटरी पर आकर वह फिर से स्वस्थ होकर के अपने दैनंदिन कार्य में लगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मित्रों, इस लड़ाई में पिछले 3 महीने से ज़्यादा जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे पैरामेडिक्स के साथ काम करने, पैरामेडिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिस के लोग, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी सेवा में जुटे हैं, उन सबको साधुवाद, उन सबको मैं नमन करता हूं जिस ताकत के साथ उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है। मित्रों, वर्चुअल रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने संदेश को आप तक पहुंचाना चाहती है और आपके माध्यम से भारत की जनता को पहुंचाना चाहती है। मुझे याद है जब लॉकडाउन हुआ तो हम सब लोग एक प्रश्न से घिर गए कि हम लोगों की सेवा कैसे करेंगे। इस संक्रमण काल में उनको हम दवा, उनको हम उनके दर्द बांटने का काम कैसे करेंगे, मन में बहुत बड़ा प्रश्न था। देयर वॉज अ सीरियस क्वेश्चन एंड देयर वॉज अ सीरियस डिस्कशन इन द पार्टी दैट हाउ विल वी रीच टू द पीपल and how we will try to give them the service which they need during the crisis time, during the time of crisis. Lekin mujhe khushi hai ki digital tool ka istemal karke, virtual video conferencing karke, humne desh ke sabhi logon ko jodne ka, party ke sabhi logon ko jodne ka kaam kiya, aur virtual conference, video conference ke madhyam se niche tak सारी पार्टी को गैल्वनाइज करके लोगों की सेवा के लिए लगाया।
इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं। 25 मार्च को हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसमें सफल होंगे कि नहीं होंगे। लगभग 150 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पिछले 3 महीने में मैंने खुद की है। लगभग 180 घंटे मैंने खुद अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे इस बात का संतोष है कि इसी 3 महीने में मैंने सभी जिला अध्यक्षों के, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों से सीधा संवाद किया। मुझे संतोष है इस बात का कि मैंने इसी दौरान सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से, राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों से सीधा संवाद किया और पार्टी की तरफ से उन लोगों ने पूरी ताकत के साथ नीचे जनता के बीच में काम किया। मुझे संतोष है कि मैंने इसी दौरान देश के भारतीय जनता पार्टी के सभी मेयर्स के साथ सीधा संवाद किया और उन लोगों ने भी अपने अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पूरी ताकत से उन लोगों की सेवा करने में वो लगे। इसका हमको संतोष भी है और मैं उनको साधुवाद देता हूँ। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने अकेली नहीं की है, मेरे साथ राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने, प्रदेश के अध्यक्षों ने, प्रदेश के संगठन मंत्रियों ने, जिला के अध्यक्षों ने अपने आप नीचे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बूथ तक के कार्यकर्ताओं को जगाने का काम किया। लगभग 5,000 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हमारे कार्यकर्ताओं ने करके इस डिजिटल वर्ल्ड का लाभ उठाते हुए, इस डिजिटल टूल का लाभ उठाते हुए सारी पार्टी को ऊपर से लेकर के नीचे तक जनता की सेवा के लिए लगा दिया, पार्टी को गैल्वनाइज कर दिया। मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसके लिए शत शत बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ। लगभग 8 से 9 लाख कार्यकर्ता इस काम में लगे। इसी दौरान फीड द नीडी प्रोग्राम के तहत लगभग 19 करोड़ लोगों तक फूड पैकेट पहुंचाए गए। 19 करोड़ लोग, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 5 करोड़ लोगों को राशन किट, मोदी किट के नाम से, मोदी राशन किट के नाम से 10 दिन का राशन, 20 दिन का राशन, 30 दिन का राशन, यह राशन पहुंचाने का काम किया। इस तरीके से हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा में अपने आप को तत्पर रख करके काम किया। वर्चुअल रैली के माध्यम से करोड़ों लोगों के साथ जुड़ने का काम जनसंवाद के माध्यम से किया गया है। इस संक्रमण काल में उनकी सेवा के लिए पार्टी कैसे खड़ी हो सकती है, ये जनसंवाद के माध्यम से हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और नीचे तक अपनी बात को पहुंचाते हुए बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, आज 19वीं जनसंवाद वर्चुअल रैली हो रही है। 7 तारीख से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिहार के लोगों को, लाखों लोगों को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाया था। उन्होंने पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं को अपना संदेश पहुंचाया। उन्होंने उड़ीसा के कार्यकर्ताओं को अपना संवाद के माध्यम से संदेश पहुंचाया और उसी तरीके से हमारे राजनाथ सिंह जी, भारत के रक्षा मंत्री, उन्होंने गुजरात और जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं के साथ, आज ही जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। उसी तरीके से नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ, गुजरात के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया और बाद में हमारे सभी मंत्री, यहाँ निर्मला जी बैठी हैं, यहाँ सदानंद जी बैठे हैं, यहाँ प्रहलाद जी बैठे हैं, सब ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जन संवाद करते हुए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया कि वो पूरी ताकत के साथ लगें और इस सेवा में अपने आप को जोड़ें। मित्रों, जब मैं कर्नाटक की जनता के साथ बात कर रहा हूँ तो मैं इस कर्नाटक की भूमि को नमन करता हूँ क्योंकि ये धार्मिक भूमि है, इन्होंने यहाँ सामाजिक चेतना जगाई है और उसी तरीके से ये ऐतिहासिक भूमि है जिसने देश को हमेशा एक दिशा दी है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, नमन करता हूँ कर्नाटक के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पूरी मुस्तैदी से इस संक्रमण काल में भी पूरा काम अपना किया है। मित्रों, जब हम आज जनसंवाद कर रहे हैं तो मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष 30 मई को समाप्त हुआ है। 1 साल समाप्त हो गया और वैसे कहें तो 6 साल
मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। अगर मुझसे कोई पूछे कि ये 6 साल क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि 6 दशक का बिगड़ा हुआ काम को मोदी जी के नेतृत्व में 6 साल में पूरा किया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अ गैप ऑफ 6 decades हैव बीन ब्रिज्ड इन 6 years अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी, दैट इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं भाषण के लिए नहीं कह रहा हूं, तथ्यों के साथ कह रहा हूं। हमारे मानचित्र पर और हमारे यादाश्त पर एक कमजोरी रहती है कि हम हमेशा आगे देखते हैं, पीछे भूल जाते हैं। लेकिन अगर आज का सुख लेना है तो पीछे की कहानी याद करना जरूरी होता है। याद करिए 2014 का वो समय, सारा देश पॉलिसी पैरालिसिस से गुजर रहा था, सारा देश एक मुसीबत के दौर से गुजर रहा था, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ढांचा लगभग क्रम्बल कर चुका था, वो चरमरा गया था और कोई भी नीति के दृष्टि से कार्य नहीं हो रहा था, ये हमको मालूम है। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि करप्शन और भारत ये पर्यायवाची बन गए थे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, आकंट भ्रष्टाचार में डूबा हुआ देश खड़ा था, दुनिया में इसकी छवि धूमिल हो रही थी। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में का नेतृत्व संभाला और 6 साल के अंदर बढ़ते बढ़ते गति देते देते आज पूरे आन बान और शान के साथ दुनिया के नक्शे में भारत पूरी ताकत के साथ खड़ा है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए, पूरी ताकत के साथ। और यह हमें फक्र होता है दुनिया में भारत को जिस तरीके से महाशक्तियां देखती हैं, मोदी जी के नेतृत्व को देखते हैं, वो हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय भी है और वो बहुत ही सुखद अनुभूति देने वाला विषय है। मित्रों, हम अगर इस 1 साल को लें 2019-20, तो मैं कहूँगा दिस ईयर ऑफ मोदी टू, वन ईयर ऑफ मोदी टू हैज़ बीन फुल ऑफ अचीवमेंट्स एंड ऑल्सो इट इज फुल ऑफ फाइटिंग द कोविड मैनेजमेंट टू द बेस्ट ऑफ पॉसिबल ऑफ आवर स्ट्रेंथ, इसको हम कह सकते हैं। पूरी ताकत के साथ आदरणीय मोदी जी ने COVID-19 को देश को फ्रंट से लड़ाई लड़ी है, इसको हमको समझना चाहिए और इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए, अग्रसर होकर के लड़ाई लड़ी है। मित्रों, दुनिया ने इस बात को सराहा, जहां COVID-19 से बड़ी बड़ी महाशक्तियां अपने आप में असमर्थ महसूस कर रही थी, असहाय महसूस कर रही थी, वहीं मोदी जी ने 130 करोड़ देश को फ्रंट से लीड करके और लॉकडाउन समय पर लगाकर एक बोल्ड डिसीजन लेकर के, बोल्ड डिसीजन और टाइमली फैसला करके, टाइमली डिसीजन लेकर के देश को बचाने का प्रयास किया और देश को कोविड से बचाने में हम सफल हुए हैं, इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। आप याद कीजिए, जब लॉकडाउन लगा था भारत की क्या स्थिति थी, 3 दिन के अंदर केस हमारे डबल हो रहे थे, 3 दिन के अंदर। आज हम ये बड़े संतोष के साथ कह सकते हैं कि 14 दिन में केस डबल हो रहे हैं, 14 डेज में। आप याद करिए, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट PPE, भारत में एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं बनता था, आज 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट PPE किट पर दिन, प्रतिदिन भारत बना रहा है, इस बात को समझना चाहिए। कोविड की लड़ाई की बात अगर हम कहें तो उसी तरीके से उस समय एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था कोविड के लिए, लेकिन आज हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि 1000 कोविड हॉस्पिटल्स, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स इसी लॉकडाउन के दौरान बने हैं और वो सेवा में जुड़े हैं। उस समय टेस्टिंग फैसिलिटीज लगभग 1500 प्रतिदिन थी, आज टेस्टिंग फैसिलिटी हमारी 1.5 लाख प्रतिदिन हो गई है, इसको हमको समझना चाहिए। और आज जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने दिल्ली के साथ बैठक ली है, जिसमें कहा गया है कि टेस्टिंग फैसिलिटी को हम दुगुना करेंगे, फिर तिगुना करेंगे दिल्ली के लिए, उसी तरीके से देश में भी हम इसमें अग्रसर हुए हैं, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। टेस्टिंग फैसिलिटी
डेढ़ सौ सेंटर होते थे, आज 800 टेस्टिंग सेंटर्स हैं प्राइवेट और पब्लिक मिला करके, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। वेंटिलेटर्स, हमारे 21,000 वेंटिलेटर्स हैं और आने वाले समय में 60,000 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया जा चुका है, जिसमें से 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के फंड से खरीदा जा रहा है, ऑर्डर दिया गया है, वह भी आ जाएगा, इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। 2,00,000 कोविड बेड्स तैयार हैं। उसी तरीके से लगभग हमारे वेंटिलेटर्स के साथ साथ आइसोलेशन बेड्स, 20,000 आइसोलेशन बेड्स तैयार हैं। ये हम लोगों ने इस दृष्टि से काम किया है, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम कोविड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मोदी जी ने एनडीए का ही नेतृत्व नहीं किया, मोदी जी ने संपूर्ण देश को एक लड़ी में पिरो करके, सबको साथ लेकर के फेडरलिज्म का बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है और संघीय ढांचा को मजबूत किया है। किसी भी प्रधानमंत्री ने इतने छोटे काल में 5 बार देश के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर वर्चुअल मीटिंग करके उनके सबको एक साथ पिरो करके चलाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। इस संक्रमण काल में कोई राजनीति ना करते हुए सबको साथ लेकर के चलाने का मादा और थाथी रखी और ताकत रखी तो नरेंद्र मोदी जी ने रखी है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। हर मुख्यमंत्री की अपनी समस्याएं हो सकती हैं, हर मुख्यमंत्री के अपने एजेंडा हो सकता है, कुछ एजेंडा सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ राजनीतिक प्रेरित भी हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद एक लड़ी में पिरो करके सबको एक साथ चलाने का काम हमारे आदरणीय मोदी जी ने किया है, वो हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, जनता को भी, जन भागीदारी भी उन्होंने जोड़ा, जनता को भी साथ जोड़ा। आप सबको याद होगा उन्होंने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। इस जनता कर्फ्यू का जब आह्वान किया था तो उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए कि उस जनता कर्फ्यू का अर्थ क्या था। शास्त्री जी के बाद अगर किसी नेता का देश के लोगों ने सम्मान करते हुए उनकी बात को माना है तो वह नरेंद्र मोदी हैं, जिनके साथ सारा देश खड़ा रहा। इस बात को हमको समझना चाहिए। याद करिए जनता कर्फ्यू, सारे देश ने एक भी पुलिस ऑफिसर नहीं लगा, नॉट इवन ए सिंगल पुलिस कॉन्स्टेबल वॉज ऑन ड्यूटी, बट द होल कंट्री वॉज इन जनता कर्फ्यू, द होल कंट्री वॉज इन जनता कर्फ्यू, एवरीबडी ओबेड रिलीजियसली, धार्मिक तरीके से उसको ओबे किया गया। यह हमारे सामने एक जीता जागता प्रमाण है। जब उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को ताकत देने के लिए, संबल बनाने के लिए, सबल बनाने के लिए, उनके हौसले को बुलंद करने के लिए हमारे पुलिसमैन, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारी नर्सेस, हमारे पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग, एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले लोग, हम तो लॉकडाउन में घर में बैठे थे, लेकिन जो लोग सड़क पर पुलिस के लोग खड़े होकर के हमारी ड्यूटी दे रहे थे, उनका हौसला बढ़ाने के लिए थाली बजाओ ताली बजाओ का कार्यक्रम मोदी जी ने दिया और सारे देश ने एकजुट होकर के 130 करोड़ की जनता एक साथ थाली बजा करके और ताली बजा करके उन्होंने कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया, यह हम सबको मालूम है। उसी तरीके से दिया जलाओ, अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का संदेश, एक मिसाल कायम की गई। 130 करोड़ का देश एक साथ आकर के इकट्ठा हुआ और सब ने दिए जला करके मोदी जी के साथ कोरोना की लड़ाई में अपने आप को शामिल करते हुए बढ़ाने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी ने 26 तारीख को 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, डॉक्टर टेड्रोस ने, डायरेक्टर जनरल ने कहा, इंडिया हैज शोन अ वे How to fight corona? It is not only the health issues which has been addressed, it is also the economic aspect which has been taken into consideration. Because poor people, there is a question for the poor people for subsistence. And for that subsistence, a package was given of 1,70,000 crores. 80 crore logon ko agle 3 mahine ke bhojan ki vyavastha ki gayi. 80 crore logon ko bhojan ki vyavastha ki gayi. गैस के सिलेंडर दिए गए 8 करोड़ लोग, महिलाओं को, बहनों को अगले 3 महीने के लिए मुफ्त गैस के सिलेंडर दिए गए। जनधन योजना के तहत, यहां निर्मला जी बैठी हैं,
इन्होंने कितनी मेहनत की हम सबको पता है, समय पर पेमेंट करके जनधन योजना के माध्यम से हमारे 20 करोड़ महिलाओं को, बहनों को, उनके खाते में 1,500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए और 500 रुपए 3 महीने का उनके खाता में जमा करा करके उनको इस लड़ाई में लड़ने के लिए उनको मजबूती और संबल प्रदान करने का काम किया गया। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अप्रैल महीने में लगभग 8 करोड़ और 70 लाख हमारे किसान भाइयों के खाते में 2,000 रुपए देने का काम हुआ और उनके खातों में सीधा पैसा गया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब मैं खातों में जाने की बात करता हूं तो मैं इस बात को भी आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि मित्रों, पिछले 6 साल से प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि आधार कार्ड से खातों को जोड़ा जाए, सीडेड किया जाए। एक समय में एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 85 पैसे रास्ते में साइफन हो जाते हैं और 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन यह मोदी जी का जमाना था, कोविड का संक्रमण था, पोस्ट ऑफिस नहीं, पोस्टमैन नहीं, सीधे डिजिटली 20 करोड़ बहनों के खाते में पैसा गया। उसी तरीके से 8 करोड़ 74 लाख किसानों के खाते में पैसा गया। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी इस संक्रमण काल में यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने लंबी बैठक वित्त विभाग के साथ और हमारे वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री जी के साथ की। लंबी बैठक, हर तरीके से गहराई से चर्चाएं हुई और चर्चा होने के बाद एक पैकेज जिसको हम आत्मनिर्भर भारत पैकेज कहते हैं, उस आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये करने का काम मोदी जी ने किया। निर्मला जी ने उसमें पूरी ताकत अपनी लगाई। निर्मला जी को मैं बधाई देता हूँ और आपके माध्यम से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो आत्मनिर्भर का पैकेज दिया, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह देश को एक नई दिशा देने वाला है। जब हम आत्मनिर्भर पैकेज और 20 लाख करोड़ की बात करते हैं तो यूएन ने क्या कहा कि दिस इज द राइट स्टिमुलस विच इंडिया नीडेड एंड विच मोदी जी हैज गिवन। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा कि आत्मनिर्भर पैकेज इज गोइंग टू चेंज द सिनेरियो ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक सीन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही कह दिया था कि इकोनॉमिक पैकेज के साथ देखने का नजरिया भारत का मोदी जी का है, वह सराहनीय है। लेकिन इसके साथ साथ यह सिर्फ पैकेज ही नहीं है, यह सिर्फ पैसा प्रदान करना ही नहीं है, यह सिर्फ 52,000 करोड़ रुपीज लोगों के जेब तक पहुंचाना नहीं है और यह लिक्विडिटी नहीं करना है। यह आत्मनिर्भर पैकेज में बहुत गहराई से सारी चीजों की चिंता करते हुए इसमें रिफॉर्म्स भी हैं, इसमें बॉटलनेक्स रिमूव किए गए हैं, इसके अंदर वो सारी लड़ी बनाई गई है कि किस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर किया जा सकता है। और उस आत्मनिर्भर में उनका नारा था कि आपदा को अवसर में परिवर्तित करो, टर्न द क्राइसिस इनटू एन अचीवमेंट, और उस अचीवमेंट के आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम आगे बढ़े हैं। हमको इस बात की खुशी है, लगभग 3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री लोन ये एमएसएमई सेक्टर में जाना है। कल ही मैंने बताया कि 24,000 करोड़ रुपए लगभग डिस्पर्स हो चुका है और आज निर्मला जी बता रही थी कि वो 30,000 करोड़ रुपए तक का डिस्पर्सल हो गया है, डिस्पर्स कर दिया गया 3 लाख करोड़ रुपए। इससे एमएसएमई सेक्टर और एमएसएमई सेक्टर का डेफिनेशन बदल दिया गया, दायरा बदल दिया गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास हुआ है। इसको हमको समझना चाहिए और यह आत्मनिर्भर भारत जब अनफोल्ड होगा तो आप देखेंगे आने वाले 2 साल में भारत की आर्थिक स्थिति में मूल चूक परिवर्तन होगा। यह बात हमको समझनी चाहिए। उसी तरीके से 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। मैं गांव का रहने वाला हूं, मुझे गांव की तस्वीर मालूम है। गांव की तस्वीर पहले अगर किसी ने बदली तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी ने बदली थी, और उसके बाद अगर किसी ने गांव का सुध लेने का प्रयास किया है तो ये मोदी जी के 6 साल हैं जिन्होंने इसको तस्वीर को बदलने का काम किया। ये एग्रीकल्चर में 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट,
ये भारत के एग्रीकल्चर जगत को, हरित क्रांति को एक नई क्रांति देगा, एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसमें सारे बॉटलनेक्स हटा दिए गए, सब्जी मंडी के भी एपीएमसी के जो नियम थे उसमें भी परिवर्तन किया गया है, ताकि किसान अपने अनाज को मंडी से बाहर भी सीधा बेच सके, इसकी भी व्यवस्था की गई, हर एक तरीके से सुविधा। इसलिए मैंने कहा दिस हैज गॉट रिफॉर्म्स, दिस हैज रिमूव्ड ऑल बॉटलनेक्स एंड दिस इज ट्राइंग टू गिव सर्विस टू द पीपल एंड ऑल्सो गिव देम द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज विच दे नीड। इस काम को करने का प्रयास हुआ है। 5,000 करोड़ रुपए हमारे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट करने का विचार बना है। आप इमेजिन कीजिए, कभी किसी सरकार ने रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, ठेले वाला, इनकी कभी सुध ली थी, कभी सोचा था? लेकिन हाँ, 5 लाख रेड़ी वालों की चिंता इस आत्मनिर्भर पैकेज में किया गया है, जिससे उनको फायदा मिलेगा। उसी तरीके से 3,500 करोड़ रुपए ये जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं, इनकी व्यवस्था के लिए इसमें खर्च करने का विषय बना। इसलिए जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो फिर चाहे वो किसान हो, फिर चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो, और यही नहीं, ये एयर ट्रैफिक का भी विषय हो, चाहे कोल को लिबरलाइज करने का विषय हो, चाहे आर्थिक जगत में नए नए तरीके से ओपन इकोनॉमी को और ओपन करने का विषय हो, सभी के बारे में बड़ी गहराई से सोच करके इस आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से काम हुआ है, उसको हमको ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इट इज़ ए टाइमली एंड ए बोल्ड डिसीजन, तो हम ये निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि कोविड मैनेजमेंट में मोदी जी ने इस देश को फ्रंट से लीड किया है, और जहां महाशक्तियां अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी, वहां मोदी जी ने इस देश की 130 करोड़ जनता को इस विपदा में एक साथ चला करके इस लड़ाई को लड़ा है। मित्रों, जहां तक हमारे माइग्रेंट लेबरर्स का सवाल है, हमारी इच्छा तो ये थी कि वो जहां थे वहीं रहें, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि उनकी विवशता ने उनको घर पहुंचने के लिए मजबूर किया, वो निकले। हम लोगों ने कभी इमेजिन नहीं किया था, इट इज एन अनकैलकुलेबल सिचुएशन, अकल्पनीय सिचुएशन बना। और आपको पता होगा कि पिछले 3 महीने में नित्य हमारे मंत्री लोग हर दिन नई समस्या नया समाधान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर दिन करते चले गए। इस बात को समझना चाहिए, पहले कोशिश रही कि वो घर में रहे, जब वो विवश होकर के निकल पड़े तो भारत सरकार ने रेल की व्यवस्था की, रेल के माध्यम से 4,286 श्रमिक ट्रेनें चला करके 60 लाख लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर फिर वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया या फिर होम क्वारंटाइन किया, लेकिन उनको वहां पर सुरक्षित पहुंचाने का जिम्मा निभाया है। मुझे इस बात का भी संतोष है, मैं उन दिनों जब मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा था तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से कह रहा था, भाई इन श्रमिक भाइयों की चिंता करो, जहां भी मिल रहे हैं इनको भोजन, इनका पानी, इनकी व्यवस्था, इनको आराम और गाड़ी की व्यवस्था करके इनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का प्रयास करो। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूं, शाबाशी देता हूं, जिन्होंने उस कठिन परिश्रम के साथ एक एक मजदूर के आंखों की आंसू को पोंछने का प्रयास किया। लाखों के हिसाब से चरण पादुकाएं बांटी गई, लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से फूड पैकेट्स बांटे गए और बड़े बड़े शामियाना लगा करके उनके आराम करने की व्यवस्था की गई और ट्रकों में उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का प्रयास किया। यह हम जरूर जानेंगे कि वो तकलीफ में रहे, लेकिन उस तकलीफ जो अकल्पनीय थी उसमें हम लोगों ने अपने आप को सहकार अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हुए उसको ठीक करने में जो कुछ भी हम कर सकते थे वो हम करने का प्रयास किया। मित्रों, जब मैं कोविड मैनेजमेंट की बात बोलता हूँ तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मन में पीड़ा है मेरे, कि जब देश इस क्राइसिस मैनेजमेंट से लड़ रहा था, कोविड मैनेजमेंट से लड़ रहा था, तो विपक्ष हर दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के माध्यम से देश को कमजोर करने की रणनीति बना रहा था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे लिए दल से बड़ा देश है और उनके लिए देश से बड़ा दल है। ऐसे क्राइसिस के समय में भी वह राजनीति कर रहे थे, इस बात का हमको दुख है।
मैं महसूस करता हूं। इतना गैर जिम्मेदाराना विपक्ष का योजन और विपक्ष का कार्य, यह बहुत ही निंदनीय है। लॉकडाउन लगा, एक दिन खड़े हो गए साहब और कहने लगे लॉकडाउन क्यों लगाया, जल्दी में क्यों लगाया। अरे आप भूल गए क्या कि मोदी जी से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लगा दिया था? क्या वो आपकी नहीं सुनते या आपको खबर नहीं थी? किस दुनिया में आप रहते हैं? फिर कहने लगे लॉकडाउन उठाते क्यों नहीं है, लॉकडाउन उठाते क्यों नहीं है। क्या उनको नहीं मालूम था कि पंजाब ने और महाराष्ट्र ने लॉकडाउन मोदी जी के कहने के पहले लगा दिया था और बाकी कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के सामने कहा था कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए? तुम्हारे नेता तुम्हारी बात ना सुने? फिर कहने लगे कि लॉकडाउन उठा क्यों रहे हो, इसका रोड मैप क्या है? इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जो कांग्रेस पार्टी ने किया है यह निंदनीय है, यह मैं कह सकता हूं। मैं लंबे समय तक विपक्ष में रहा हूं, हम सब लोग छात्र जीवन से विपक्ष में रहे हैं और विपक्ष में हम लोगों ने जिया है। मैं एक ऐसी पार्टी का सदस्य हूं और ऐसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं जिसका गौरवमय इतिहास है। इट हैज गॉट ए ग्लोरियस हिस्ट्री। वेन एवर द कंट्री हैज बीन इन क्राइसिस वी हैव ऑलवेज स्टूड फॉर द नेशन एंड वी हैव नॉट डन पेटी पॉलिटिक्स। इस बात को हमको समझना चाहिए, हमने कोई भी पेटी पॉलिटिक्स नहीं किया। 1962 में हमें मालूम है जवाहरलाल नेहरू जी की नीतियों के कारण चीन के साथ क्या हुआ और चीन ने हमारे साथ क्या किया हमें मालूम है। लेकिन भारतीय जनसंघ के नेता देश की आवाज के साथ खड़े रहे थे। हमें मालूम है 1965 में लड़ाई में लाल बहादुर शास्त्री के साथ हमारे जनसंघ के नेता खड़े रहे थे। हमें याद है जब पाकिस्तान जब बांग्लादेश का लिबरेशन हो रहा था 70 के दशक की लड़ाई में, तो भारतीय जनसंघ उस समय इंदिरा गांधी के साथ चट्टान की तरह खड़े होकर के देश में हम लोगों ने एक आवाज उठाई थी। और देश पहले है, देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, ये बात हमने कही थी। लेकिन मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, दुर्भाग्य से, कि जब कारगिल की लड़ाई हुई और जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कारगिल में और हमारे जवान सीमाओं पर सीमा की रक्षा कर रहे थे, लड़ रहे थे और कारगिल को वापस लेने के लिए अपना जीवन सर्वस्व लगा रहे थे, तो यहां कांग्रेस पार्टी राज्यसभा का सत्र बुलाने के लिए आग्रह कर रही थी कि राज्यसभा का सत्र बुलाओ। उसी तरीके से हमें याद है कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो उस ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस नदारद थी, यानी इनको देश की चिंता नहीं थी, पॉलिटिक्स की चिंता थी। पॉलिटिक्स 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 एंड ओनली पॉलिटिक्स। मैं कांग्रेस पार्टी को बोलना चाहता हूं, आपको अगर विपक्ष आता नहीं है तो थोड़ा ट्यूशन हमसे ले लो, हम आपको बताते हैं कि ऑपोजिशन क्या होता है। आपको 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 ऑपोजिशन नहीं आता? आजकल आपने दो दिन पहले बयान दे दिया राहुल गांधी ने कि देश का डीएनए बदल रहा है, असहिष्णु हो रहे हैं, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ये भूल गए क्या असहिष्णु कौन रहा है? याद है इमरजेंसी, 125,000 लोग 19 महीने 20 महीने 21 महीने 22 महीने के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिए गए थे। कांग्रेस पार्टी के लोगों को छोड़कर और कम्युनिस्टों को छोड़कर देश के सभी राजनीतिक दल जेल के सिक्कों के पीछे थे, मीडिया के लोग भी देश के जेल के सिक्कों के पीछे थे। मुझे याद है लगभग 80,000 लोग मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत वो जेल के अंदर थे 19 महीने 20 महीने। मुझे याद है 45,000 लोग DIR में अंदर थे। ये असहिष्णुता की बात करते हैं? अरे भारत वो देश है जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए, हमने शांति का पाठ सिर्फ अपने यहां ही नहीं दिया सारे विश्व में दिया। वसुधैव कुटुंबकम की बात की, सारी वसुधा एक परिवार है, इस बात को हम लोगों ने कहा। विवेकानंद ने अपना संदेश दुनिया में दिया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ वर्ल्ड, सबको भाई बहन मान करके एक साथ जोड़ने का काम किया। सबसे सहिष्णु अगर देश रहा है, सबसे टॉलरेंट अगर देश रहा है, और दुनिया में जब जब कोई समस्या आई है
तो वह पनाह उसको भारत की पुण्य भूमि पर मिला है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है कि देश की डीएनए की चिंता मत कीजिए, आप कांग्रेस के बदलते हुए डीएनए की चिंता कीजिए, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो यह आपकी सेहत और भारत के राजनीतिक सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा, यह बात मैं आपको कहना चाहता हूं। मित्रों, कोविड की कहानी तो मैंने आपको बताई, लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि 2019-20 हैज बीन अ ईयर ऑफ फुल ऑफ अचीवमेंट्स, इट इज इन लेटर एंड स्पिरिट that I am saying when I say that Modi ji has bridged in six this the work of six decades in six years, I mean it. Aap yaad kijiye 1950 mein dhara 370 lagi thi, kya kaha tha, ye temporary phase hai, ye ghiste ghiste ghis jayega, ye ghisa nahi aur mazboot ho gaya aur usne Jammu Kashmir ke andar एक अलगाववाद के बीच को पनपने का पूरा मौका दिया और कांग्रेस पार्टीज में शामिल रही। जिस तरीके की नीतियां चली, उस नीतियों के कारण सिवाय अलगाववाद के और कुछ नहीं मिलना था। लेकिन मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी 2 में यह राजनीतिक इच्छा शक्ति मोदी जी ने दिखाई, और यह मोदी जी की इच्छा शक्ति थी और अमित शाह जी की रणनीति थी कि धारा 370 5 और 6 अगस्त को धाराशाही हो गया, यह हमको ध्यान में रखना है। मुझे खुशी है, मैं उस ऐतिहासिक घड़ी का पार्ट एंड पार्सल, मैं भगवान को हाजिर नाजिर मान करके अपने आप को बहुत ही गौरव महसूस करता हूं कि उस ऐतिहासिक घड़ी में धारा 370 कम करने में को हटाने में इस उंगली के द्वारा हमें भी बटन दबाने का मौका मिला और धारा 370 में लाभ वोट देने का मौका मिला। यहां बैठी हैं निर्मला जी, यहां बैठे हैं सदानंद जी, यहां बैठे हैं प्रहलाद जी, ये सब वो भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने अपनी उंगली से धारा 370 को बिल को पास किया और उसको धाराशाही किया, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, जब धारा 370 समाप्त हुआ तो क्या बोलते थे शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला बोलते थे कि कोई धारा 370 को छू भी नहीं पाएगा। यह मोदी जी की सरकार थी और अमित शाह की रणनीति थी कि धारा 370 और 35A छू मंतर हो गया, इसको भी हमको समझना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि खून के नदियां बहेंगी, एक खून का कतरा नहीं बहा, और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, मैं जम्मू कश्मीर में प्रभारी रहा हूं लंबे समय तक, आपको और हमको धारा 370 और 35A जाने का भावनात्मक खुशी मिली होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पूरा एकीकृत होकर के भारत के मेन स्ट्रीम में आया, इसकी हमको खुशी है। लेकिन हमसे ज्यादा खुशी जम्मू कश्मीर के लोगों को है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। और फिर मैं इसलिए नहीं कि बोलने के लिए बोल रहा हूं, आपको मालूम नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में ये पुंछ रजौरी का इलाका और ये लद्दाख का इलाका ये सारा ट्राइबल है, कारगिल ये सारा ट्राइबल है, ये मुस्लिम भाई वहां रहते हैं, गुजर रहते हैं, बकरवाल रहते हैं, ये मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन ट्राइबल है। क्या आपको मालूम है कि यहां राजनीतिक ट्राइबल रिजर्वेशन नहीं था? क्या आपको मालूम है कि गुजर और बकरवाल ट्राइबल सीट कोई ना होने के कारण वो विधानसभा में या लोकसभा में नहीं पहुंचते थे? अब धारा 370 समाप्त हुई है, परिसीमन होगा, पहली बार विधानसभा और लोकसभा में ट्राइबल सीट्स घोषित होंगी और वहां से चुन करके हमारा गुजर और बकरवाल श्रीनगर में आकर के विधानसभा में बैठेगा, यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। राजीव गांधी जी ने 80 के दशक में 73rd और 74th अमेंडमेंट बिल ला करके पंचायत को सीधा पैसा देने का प्रावधान किया था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। यह दीगर बात है, यह अलग बात है कि हमारे गुलाम नबी आजाद भी मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन यह पैसा
जो दिल्ली से जाता था वो श्रीनगर की तिजोरी में जाता था, और श्रीनगर की तिजोरी वाले तय करते थे कि कितना पंचायत को देना है या नहीं देना है, देना है तो कितना देना है। अब धारा 370 समाप्त है, मोदी जी यहां से पैसा भेजते हैं और वो सीधा पंचायत में जाता है और विकास होने का काम शुरू हुआ है। इस बात को हमको समझना चाहिए। आपको पता है वहां की महिलाएं अगर नॉन रेजिडेंट के साथ, श्रीनगर जम्मू कश्मीर के बाहर के व्यक्ति के साथ अगर उनका विवाह संपन्न हो जाए तो उनको अपनी जायदाद से हाथ धोना पड़ता था, दे वर डिवॉइड ऑफ देयर प्रॉपर्टी राइट्स। लेकिन आज धारा 370 लगने के कारण अब वो कहीं भी मुख्य धारा में, कहीं भी देश में, कहीं भी उनका विवाह संपन्न होता है, श्रीनगर में उनकी प्रॉपर्टी पर बराबर का हिस्सा उनको मिलेगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे वाल्मीकि भाई पार्टीशन के समय पंजाब से ले जाकर के उनको बसा दिया जम्मू कश्मीर में और कहा कि तुमको हम सारे राइट्स देंगे, शेख अब्दुल्ला थे उस समय। लेकिन वहां हुआ क्या, इनको वहां पर परमानेंट रेजिडेंट का सर्टिफिकेट नहीं मिला। वाल्मीकि भाई ये दलितों की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये ट्राइबल्स की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, जवाब दें कि वहां ट्राइबल रिजर्वेशन आज दिन तक क्यों नहीं था, जवाब दें कि वाल्मीकि का बेटा सिर्फ सफाई कर्मचारी लग सकता था और कुछ नहीं बन सकता था उसको जम्मू कश्मीर में, और कोई नौकरी करने का अधिकार नहीं था, नौकरी करता तो सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी करता। यह था 21वीं शताब्दी का भारत, यह था राजीव गांधी के 21वीं शताब्दी का भारत। मोदी जी की सरकार आई, 21वीं शताब्दी की परिभाषा बदली, धारा 370 समाप्त हुआ, अब वाल्मीकि का बेटा, दलित का बेटा जज भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, आईएएस ऑफिसर भी बनेगा और वहां पर लगेगा। ये बात करते हैं धारा 370 और जम्मू कश्मीर की। इनको पता नहीं है कि धारा 370 के कारण क्या चल रहा था, भारत के 106 कानून वहां लागू नहीं होते थे। पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये लागू नहीं होता था। यहां मोदी जी ने यह कर दिया कि पॉक्सो के माध्यम से अगर कोई बच्चे के साथ दुष्कर्म करेगा तो सजाए मौत होगा, और वहां पॉक्सो लागू नहीं था। डोमेस्टिक वायलेंस, महिलाओं के साथ कुछ भी होता रहे, वह कानून वहां लागू नहीं था। आप आश्चर्य करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। भ्रष्टाचार किए चलो, हलवा मांडा खाते चलो, मस्त रहो, कोई पूछने वाला नहीं। अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लग रहा है और जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर बैंक की इंक्वायरी शुरू हो गई है। दूध का दूध पानी का पानी होगा, जिन्होंने ये हलवा मांडा खाया है उनको मोदी जी के राज में जेल ही जगह होगी और कोई जगह नहीं होगी, ये हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान से आए हुए लोगों की, सारे देश में पाकिस्तान से लोग आए रेफ्यूजी 1947 में। यह देश प्रजातंत्र देश था, इस प्रजातंत्र देश होने के चलते हमारे वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए दो लोग प्रधानमंत्री बन गए और एक उप प्रधानमंत्री बन गए। इंद्र कुमार गुजराल वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, जो अभी पाकिस्तान कहलाता है, एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मनमोहन सिंह, ही केम फ्रॉम पाकिस्तान and he became the prime minister and remained prime minister for 10 long years. Hamare Lal Krishna Advani ji, Shraddhe Lal Krishna Advani ji, deputy prime minister rahe, grih mantri rahe. Lekin jo log galti se refugee ho karke Jammu Kashmir mein aakar ke bas gaye, unko dhara 370 ke karan councillor ka bhi chunav ladne ka adhikar nahi tha, councillor ka bhi, vote dene ka bhi adhikar nahi tha. अब धारा 370 हटी है, वो एमएलए भी बनेंगे और वो मंत्री भी बनेंगे, वो मुख्य धारा में शामिल होंगे। इस बात की हमको चिंता करने की जरूरत, इस बात को हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। मित्रों, ट्रिपल तलाक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की वो इच्छा शक्ति थी, जिस इच्छा शक्ति के कारण रविशंकर जी ने बिल को पेश किया और ट्रिपल तलाक से 9 करोड़ हमारी मुस्लिम बहनों को, जो ये सदियों की कुरीति थी, उससे निजात दिला दिया, उससे उनको छुटकारा दिलाया। इस बात को समझना चाहिए। लेकिन यहां भी मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं, हमारे सेकुलर भाई
हमारे यहां पर मुस्लिम नेता, और मुस्लिम नेता तो नहीं, मुस्लिम नेता की वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग, ट्रिपल तलाक क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें ऐसा होना चाहिए था, उसमें वैसा होना चाहिए था, अड़ंगे लगाने की कोशिश की गई। लेकिन मैं अपने ये मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले सेकुलर के चेहरा लेकर के घूमने वालों को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान इस्लामिक देश है, लेकिन वहां ट्रिपल तलाक नहीं है, उन लोगों ने ट्रिपल तलाक बंद कर दिया है। बांग्लादेश इस्लामिक देश है, लेकिन वहां ट्रिपल तलाक लागू नहीं होता है, उन्होंने उसको बंद कर दिया है। अफगानिस्तान इस्लामिक देश है, लेकिन वहां भी ट्रिपल तलाक नहीं है। टर्की मोस्टली इस्लामिक है, लेकिन वहां भी ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। सीरिया में ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। मित्रों, मलेशिया और इंडोनेशिया यह भी बहुतायत है, मुस्लिम देश है, लेकिन यहां भी ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। इस बात को हमको समझना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के सेकुलर लोग इस बात को उठाने का प्रयास करते हैं कि ट्रिपल तलाक, जैसे कि मुस्लिमों के पर्सनल राइट्स पर कोई आघात हुआ है। हम लोगों ने हमारी मुस्लिम बहनों को, माताओं को, इस सदियों की कुरीति से उनको हमने आज़ाद किया है और मुख्य धारा में शामिल किया है, ये बात हम आपको बताना चाहते हैं। CAA, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, जो पहले हम सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल के नाम से जानते थे, क्या है ये? हमें मालूम है कि बांग्लादेश में और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में माइनॉरिटी की संख्या बहुत तीव्र गति से घटी, जहां 38 थी वो 7% पर आकर खड़ी हो गई, जहां वह कहीं 33 थी वो आकर के 6, 8 और 7% पर खड़ी हो गई। अफगानिस्तान में हमारे सिख भाई 50,000 परिवार थे, आज 3,000 परिवार रह गए, कहां चले गए ये लोग? ये सब धार्मिक प्रताड़ना के कारण, बिकॉज ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन, दे हैड टू लीव द कंट्री, दे फ्लेड एंड दे टुक रिफ्यूज इन इंडिया, वो भारत में आकर के शरणार्थी के रूप में रहे। जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में कहा कि जिन लोगों की धार्मिक प्रताड़ना के कारण, रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण भारत आना पड़ा है, उनको मैं आपदा फंड से जोड़ करके उनकी फिर से बसाने का हम प्रयास करेंगे। ये जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में कहा। इन 1948 हमारे महात्मा गांधी ने कहा कि ये लोग जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, इनको भारत में ला करके बसाया जाए, नौकरी दी जाए और इनके रहने की व्यवस्था की जाए। दिसंबर 2003 में मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के सामने कहा, those who are religiously being persecuted in Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, they should be given the citizenship right in India. ये अलग बात है कि उसके बाद ईश्वर ने उनको 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने इस काम को पूरा नहीं किया। ये मोदी जी की इच्छा शक्ति थी जिसने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया, और जो 20 साल से 25 साल से भारत में रह रहे थे उनको भारत की नागरिकता प्रदान करके उनको मुख्य धारा में शामिल किया। मुझे याद है, यहां बैठे हैं हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता बंधु सब लोग, आपको याद होगा अफगानिस्तान से सिख भाई दिल्ली में जो रहते हैं वो यहीं इसी हॉल में मुझसे मिलने के लिए आए थे, आपने उनके चेहरे पढ़े होंगे, 20 साल हो गए उनको आए हुए, स्कूल में उनका एडमिशन नहीं होता, मेडिकल कॉलेज में वो एडमिशन नहीं ले सकते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते थे, नौकरी करने जाए तो उनसे रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट मांगा जाता था, वो सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट नहीं दे पाते थे, उनको नौकरी नहीं लगती थी। आज मोदी जी ने धारा 3 अपने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया है, अब वो भारत के नागरिक बनेंगे और पूरी ताकत पूरी इज्जत के साथ वो भारत में अपने आप को शामिल करते हुए भारत की मुख्य धारा में जुड़ेंगे। इस बात के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, कांग्रेस पार्टी का काम रहा है अटकाना, लटकाना, भटकाना, ये कांग्रेस पार्टी का ट्रेट रहा है। ये यही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने कहा था कि राम जन्मभूमि फैसले को 2019 तक रोक दिया जाए। यह वही कांग्रेस पार्टी है जो राम जन्मभूमि पर भी राजनीति कर रही थी।
हमारे लिए ये आस्था का सवाल था। डे टू डे हियरिंग होकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक मत से राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला दिया और मोदी जी के नेतृत्व में सारा समाज पूरा सौहार्द वातावरण के साथ इसको कबूल किया, इसको स्वीकार किया और अब सारे रास्ते जो सारे रास्तों में अड़चन थी उसको हटाया गया और अब भव्य राम मंदिर, वहां राम लल्ला की मूर्ति बनेगी। ये हम आपको बताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने न्यास बना करके वो न्यास को जमीन हैंडओवर कर दी है। भारत सरकार ने अपना काम कर दिया है, बहुत जल्द वहां पर शिलान्यास होकर के भव्य राम मंदिर बनेगा। यह हमारे ध्यान में आना चाहिए। मित्रों, 2012 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप, जिसमें 15 देश और भारत मिला लें तो 16 देश हैं, यह एंगेजमेंट शुरू हुआ था। हमारी वित्त मंत्री बैठी हैं, इनको पता है इन्होंने कितनी मुशक्कत की और कितने नीचे तक सारी चीजों की जानकारी ली, बैठकें की और बैठक करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे कि ये जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है इसमें भारत का भला नहीं है, उद्योगों का भला नहीं है, इसमें हमारा मजदूर मर जाएगा, इसमें किसान हमारा मुसीबत में पड़ जाएगा, इसमें हमारे मध्यम और छोटे जो हमारे उद्योग हैं वो ठप पड़ जाएंगे, उनको मुसीबत आएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी थे, एक तरफ 15 देश एक तरफ खड़े थे, 16वां देश मोदी जी के नेतृत्व में अटूट की तरह भारत खड़ा था और भारत ने कहा ये हमारे मजदूरों के, किसानों के, उद्योगों के खिलाफ है, हम आरसेप से अपने आप को बाहर करते हैं, हम इस एंगेजमेंट में नहीं आएंगे, इसको पूरा करने का काम किया। इसलिए जब जब देश मुसीबत में पड़ा और जब जब देश पर कोई मुसीबत आई तो मोदी जी चट्टान की तरह देश के लिए खड़े रहे हैं, ये हम सबको मालूम है। पॉक्सो के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, प्रिवेंशन, जुलाई महीने में, पिछले जुलाई महीने में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसके तहत अगर कोई किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म करेगा तो सजाए मौत होगी, यह बात इस माध्यम से तय हो गई और भारत के पार्लियामेंट ने इसको पारित कर दिया। अगर हम बात करें नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एक्ट के तहत, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का दायरा अगर कोई भारत में टेररिस्ट एक्टिविटी करके देश से बाहर भी चला जाता है तो भी एनआईए का दायरा बढ़ा दिया गया है, वह देश के बाहर जाकर के भी उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको भारत ला करके सजा देगी, यह मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, हमारे यहां का कानून इतना लचर था, इतना कमजोर था, इतना लचर था कि टेररिस्ट को हम टेररिस्ट नहीं कह पाते थे, टेररिस्ट के खिलाफ हम टेररिस्ट कार्रवाई नहीं कर पाते थे, कानून में प्रूव करना पड़ता था कि टेररिस्ट। कांग्रेस पार्टी के लोग और विपक्ष के लोगों ने पार्लियामेंट में डिस्कशन की, इसमें तो कोई भी अंदर हो जाएगा, कोई अंदर नहीं होगा, गलत काम करने वाला अंदर होगा वो बाहर निकल नहीं सकता और जो सही काम करेगा उसको कुछ नहीं होगा, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए, ये काम हो सकते। मित्रों, मुझे याद है जब 2014 में जनधन योजना की बात, जीरो अकाउंट से अपना अकाउंट खोलने की बात की थी, तो उस समय हमारे विपक्षियों ने खिल्ली उड़ाने का प्रयास किया था, ये जीरो अकाउंट क्या करेगा, ये जनधन अकाउंट क्या करेगा, ये किसके लिए जनधन अकाउंट खोला जा रहा है। मित्रों, 70 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब बैंक के नेशनलाइजेशन की बात कही थी तो उन्होंने कहा था कि बैंक की दहलीज को पार करने का काम और बैंक अकाउंट्स खोलने का काम यह जनधन योजना के तहत होगा। लेकिन 70 के दशक से लेकर के 2014 तक अगर हम याद करें तो सिर्फ 3.25 करोड़ लोगों ने ही बैंक की दहलीज पार करके अपना खाता खोला था, 2.75 करोड़। लेकिन आज जनधन खाते में 38.79 करोड़ लोगों ने खाता खोला है और इस कोविड के समय में महिलाओं को जो 1,500 रुपये मिला है वो जनधन खाते के माध्यम से ही मिला है। और जब मैं कर्नाटक की बात करूं तो 1.47 करोड़ लोगों ने जनधन खाते का उपयोग किया है।
उज्ज्वला योजना के तहत मैंने पहले बताया 8 करोड़ महिलाओं को फ्री गैस का चूल्हा और इसके साथ साथ गैस का सिलेंडर दिया गया, और कोविड के समय में 3 गैस के चूल्हे 3 महीने के लिए मुफ्त दिए गए, और कर्नाटक में भी 31 लाख गैस के कनेक्शंस रिलीज किए गए। उजाला योजना के तहत लगभग 36 करोड़ 25 लाख एलईडी बल्ब्स बांटे गए और 18,834 करोड़ रुपए की सालाना बिजली की खपत की बचत हुई है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और कर्नाटक में 2,34,00,000 एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट हुए और 1,216 करोड़ रुपए की सालाना बचत बिजली की खपत में हुआ है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब मोदी जी ने स्वच्छ भारत का अभियान शुरू किया तो कहने लगे ये क्या काम प्रधानमंत्री ने पकड़ लिया, ये झाड़ू पकड़ लिया, ये सफाई का काम पकड़ लिया। ये स्वच्छ भारत मिशन यूनाइटेड नेशंस ने भी मोदी जी को सम्मानित करके बताया है कि किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन एक सक्सेसफुल हुआ। 38% ODF था, सिर्फ 38% ODF था, 38%। आज 2019 में 100% ODF हो गया है, ओपन डेफिकेशन फ्री भारत बन चुका है। और कर्नाटक में भी 40,19,000 नए टॉयलेट्स बने हैं और 36% जहां ODF था वो आज 100% ODF हो गया, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। सौभाग्य योजना, 2,62,00,000 लोगों के घरों को इलेक्ट्रिफाई किया गया, 18,000 गांवों को इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। जब हम कहते हैं कि 6 दशक को 6 साल में पूरा किया तो ये पूरा हुआ है। सोचिए आजादी के 60 साल तक लोगों के घरों में बिजली नहीं थी, 18,000 गांव बगैर बिजली के थे, करोड़ों घर बिना बिजली के थे। आज सौभाग्य योजना में 2,62,00,000 लोगों को इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और 3,56,000 लोगों का इलेक्ट्रिफिकेशन, ये भी इलेक्ट्रिफिकेशन जो हुआ है ये सारे का सारा कर्नाटक के अंदर हुआ, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आयुष्मान भारत, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर स्कीम, इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम। और मुझे खुशी है, मुझे संतोष है कि मुझे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिन्होंने आयुष्मान भारत की कल्पना की उसको जमीन में उतारने में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला और इस आयुष्मान भारत को टोटल डिजिटल आयुष्मान भारत भारत में लागू हुआ, इस बात के हम आपको बधाई देना चाहते हैं। 10,74,00,000 परिवार, 10,74,00,000 पीपल फैमिलीज, 50 करोड़ पीपल, 50 करोड़ लोग। और कौन है ये लोग? रिक्शा वाला, फेरी वाला, रेड़ी वाला, रैग पिकर्स, जो गरीब हैं जिनके कोई व्यवस्था नहीं थी, इनको अगर गंभीर बीमारी हो जाए कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी। आप बताओ कोई ऑटो रिक्शा वाला यदि उसको उसका बाईपास होना हो क्या उसके पास सामर्थ्य था कि वो बाईपास करा ले? यदि गरीब परिवार में कोई किसी को कैंसर हो जाए तो समझो कि उसका घर बिक गया, यह परिस्थिति आकर के खड़ी थी। लेकिन 50 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोगों का मतलब होता है पूरी अमेरिका की जनसंख्या, मेक्सिको की जनसंख्या और कनाडा की जनसंख्या मिला लें तो ये सारी जनसंख्या मिलाएंगे तो भारत का आयुष्मान भारत बनता है, इस बात को हमको समझना चाहिए। उनको हम लोगों ने 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने आयुष्मान भारत में जोड़ा और 13,329 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कर्नाटक ने भी बहुत अच्छा काम किया है, 5,20,000 लोगों को इसका फायदा हुआ है और लगभग 833 करोड़ रुपए का इनके लिए व्यवस्था की गई भारत सरकार से, ये इस तरीके का काम हुआ है। मित्रों, अगर मैं कर्नाटक की स्ट्रेटजी की बात करूं और कर्नाटक की स्ट्रेटजी के दृष्टि से कोविड के स्ट्रेटजी मैनेजमेंट की दृष्टि से बात करूं तो आप ही आज हाल देख लीजिए दिल्ली का क्या हाल हुआ है। आज गृह मंत्री जी को खुद बैठक लेकर के दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना फैला है उसमें अपने आप को जोड़ने का प्रयास करके दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली को फिर से ठीक करने के लिए हम सब लोग लगे हैं। लेकिन अगर हम बात करें मुंबई की, बात करें कलकत्ता की, बात करें चेन्नई की, तो ये सभी जगह कोविड बुरी तरीके से फैला है जिसको हम सब जानते हैं, उसका मैनेजमेंट करने का प्रयास चल रहा है। लेकिन मैं येडियुरप्पा जी को बधाई देना चाहता हूँ, he has been proactive and proactive होने के कारण
उन्होंने बंगलुरु अर्बन में और बंगलुरु रूरल में कोविड को रोकने का हर संभव प्रयास किया और वो सक्सेसफुल रहे हैं, इसके लिए उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज मैं आंकड़े जानना चाहता था तो मुझे बताया गया कि बंगलुरु अर्बन में 594 केसेस हैं जिसमें से 264 केस ठीक हो चुके हैं, और बंगलुरु रूरल में 40 केस हैं और 40 में से 25 केस ठीक हो चुके हैं। ये क्यों हुआ है? क्योंकि येडियुरप्पा जी ने 4 T की चिंता की है, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी। और अगर हम ट्रीटमेंट की और टेक्नोलॉजी की बात करें तो उन्होंने कोविड इंफॉर्मेशन पोर्टल के माध्यम से सारे क्वारंटाइन सेंटर, सारे हॉस्पिटल्स को डिजिटली मैनेज किया है। उसी तरीके से कोविड 19 सहायक ग्रुप के माध्यम से ESI डॉक्टर्स को 24/7 उन्होंने इसमें लगाया है। उसी तरीके से कोविड अवेयरनेस रिस्पॉन्स टीम बनाई गई है ताकि कोई फेक न्यूज भी आता है, गुमराह करने वाली बात भी आती है तो उसको भी चेक किया जा सके। कर्नाटक का बहुत अच्छा कार्यक्रम चला है दसोहा लाइन, और ये दसोहा लाइन के माध्यम से कोई भी माइग्रेंट लेबरर जो कर्नाटक के किसी भी कोने में फंसा हो, वो हेल्पलाइन नंबर का लाभ उठा करके जहां से वो नंबर डायल करेगा, कमिश्नर रैंक का व्यक्ति रिस्पॉन्ड करके वहां भोजन का पैकेट पहुंचाएगा या ड्राई राशन पहुंचाएगा। ये दसोहा के माध्यम से हुआ है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द कर्नाटका गवर्नमेंट, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट येडियुरप्पा हिज टीम, हाउ दे हैव वर्क एंड हाउ दे हैव ट्राई टू गिव सर्व द माइग्रेंट लेबरर्स, किस तरीके से उन्होंने काम किया है। उसी तरीके से लैंड रिफॉर्म्स में अगर कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है तो किसान से वो सीधे जमीन खरीद सकता है, सरकार बीच में नहीं आएगी। APMC एक्ट में परिवर्तन करके डायरेक्टली किसान अपना माल किसी भी कंपनी को बेच सकता है। कर्नाटक ने अपने आप को इकोनॉमिक पैकेज से भी जोड़ा है, 21,000 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज। अगर मोदी जी ने 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, 20,00,000 करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज दिया, तो येडियुरप्पा जी भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी 21,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। और उस पैकेज के माध्यम से हमारे फिर चाहे वॉशरमैन हों, हमारे लॉन्ड्री वाले हों, चाहे हमारे धोबी भाई हों, उनको 5,000 रुपए का इसमें नगद राशि से मदद करने का प्रयास हुआ है। सविता समाज के लोगों के लिए 5,000 रुपए ईच परिवार को, हर एक परिवार को मदद करने का प्रयास हुआ है। वीवर्स जिनकी संख्या 54,000 है, इनको 5,000 रुपए, 2,000 रुपए ईच देने का काम हुआ है। इसी तरीके से 5,000 रुपए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देने का काम हुआ है। हमारी आशा वर्कर्स जो ये कोरोना की लड़ाई में आशा की केंद्र बिंदु हैं, उनको 2,000-3,000 रुपए दे करके उनको भी सपोर्ट करने का काम हमारे येडियुरप्पा जी ने किया है। और इसी तरीके से 5,000 करोड़ रुपए आपने मार्क किया है ताकि कोविड की कैलेमिटी को लड़ाई लड़ी जा सके और उसको जीत हासिल किया जा सके, इसका प्रयास किया है। मित्रों, इस कोविड की घड़ी में मैं एक ही बात कहूँगा, प्रधानमंत्री जी का संदेश हमने जन जन तक पहुँचाना है, और उनका संदेश है कि जब तक कोविड है तब तक सेवा ही संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता सेवा के माध्यम से हमारे लोगों को सेवा पहुंचाना, उनके तकलीफ में, दुख दर्द में अपने आप को शामिल करना, यही हमारी आवश्यकता है। साल भर में मैंने जैसे कहा कि हम लोगों ने अचीवमेंट हमारे अद्भुत रहे, हम लोगों ने बहुत अचीवमेंट्स हासिल किए, लेकिन कोरोना की लड़ाई में भी हमने देश में मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में एक मिसाल कायम की है कि 130 करोड़ देश को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, उसका बखूबी प्रयास किया है। यह मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था, मैंने किया है। कर्नाटक की जनता ने हमारे को, हमारे लाखों लाखों कार्यकर्ताओं ने इस डिजिटल माध्यम से मुझे सुना है, मैं उन सबको साधुवाद भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, और स्पष्ट रूप में मोदी जी का संदेश आप तक पहुंचाता हूं कि हम सेवा में लगे रहेंगे, कोविड से लड़ेंगे, भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा, और भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के पूरे देश में
लोगों की सेवा में तत्पर रहेगी, यही मुझे आपको संदेश देना है। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सेवा भाव से लगे रहें, अपने में कभी अहम ना पालें। पार्टी बड़ी है, बड़े काम करने के लिए बनी है, दल देश के लिए है और देश के लिए हम समर्पित हैं। हम सब लोग पूरी ताकत से लगें, यही मेरा आपको निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत